हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक हफ्ते पहले 15 जनवरी को मैं गया था गोलू देवता मूर्ति स्थापना को रिकॉर्ड करने के लिए इंद्रपुरम में, और वहां पर मेरी मुलाकात हुई उन शख्सियत से जिन्होंने अपने कुछ दिग्गज साथियों के साथ बीड़ा उठाया था शमशान भूमि को स्वच्छ करने का और उसके रख रखाव का। उनके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। वो लोग कुछ अजीब थे जो टकराने चले थे तूफान से, तूफान को क्या पता था वो मिटाने चले गंदगी शमशान से। तूफान ने भी रास्ता बदला बड़े ही आराम से, उनको मिल रही पहचान उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के नाम से। आइए अब मैं आपको मिलाता हूँ हरदा उत्तरांचली से। सो व्यूअर्स, हमारे साथ हैं अभी हरदा, जो कि उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के जो प्रमुख हैं। सभी से पहले स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो हरदा, जो इतनी शक्ति आपको मिलती है ये सेवा करने की, वो कैसे मिलती है, मैं वो जानना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। सेवा तो सबसे पहले मैं देवभूमि का हूँ। हाँ जी, जो ताकत है वो तो देवभूमि की है। सही बात है, आराध्य हमारे, और 24 घंटे चाहे हम घर में रहे चाहे बाहर रहे कहीं रहे, यदि हम वहाँ से पहाड़ों से निकल गए देवभूमि से तो रक्षा करने वाले आराध्य हमारे, जो आज यहाँ विराजमान, एक सौभाग्य हुआ। सही बात है। इसके साथ ही कि जितने भी यहाँ आए ये तो हमारे लिए सभी आराध्य हैं। कोई किस रूम में, कोई किस रूम में है, बस पहचानने की शक्ति है बस। बिल्कुल, मैं आपको पर्सनली फॉलो करता हूँ हरदा रावत फेसबुक पे। मैं आपका जो ये जो आप सेवा कर रहे हैं उसको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। पहले आपका संस्थान सिर्फ एक जगह था, मेरे ख्याल से अब काफी जगह फैल चुका है, तो काफी लोग इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ अभी तक आपके जो मुहिम में कितने लोग शामिल हो गए हैं। वैसे मैं तो सोचता हूँ कि 40 लाख है, तो 40 लाख ही इस बिल्कुल में है। बिल्कुल, क्योंकि बस ठीक है, थोड़ी समय समय में जिसका जैसा आशीर्वाद मिलता है सही बात वो आ जाता है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। आगे एक समाज का जो हमारी देवभूमि, जो देवभूमि जन्मा इंसान है उसकी जो अंत्योदय यहाँ होती है उसको थोड़ी सुधार करके तो देवभूमि जो जन्मा इंसान है उसकी ऐसी लास्ट अंतिम दुर्गति होनी चाहिए, वो सुगम सम्मान के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल, सोच है कि कम से कम तभी समाज और राष्ट्र का विकास। तो ये जो संस्था की नींव थी वो आपने कैसे रखी और कितना टाइम हो गया संस्था को? संस्था को 6 साल हो जा रहे पूरे, और नींव हमने देखा कि यार समाज में सब कुछ विकास हो रहा है, सभी कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो हमारा एक अंतिम पड़ाव हुआ एक सुगंध में होना चाहिए। बिल्कुल, जब वो लगा तो हमें भाया नहीं। हाँ जी, ये भी सेवा नहीं, मैंने कहा सबसे पहले ये सेवा है, इस बहाने देवभूमि के लोग भी सेवा कर रहा हूँ, इससे बड़ी हमारे लिए गर्व की बात नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग और जगह तो सेवा देख लेते हैं, लेकिन आपने एक ऐसी जगह पर सेवा देखी है वो सच में काबिले तारीफ है, उसके लिए मैं जरूर क्लैप करना हूँ आपके लिए। और आपके साथ और लोग भी बहुत सारे, आपने जैसे बताया कि 40 के 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं, वो ठीक है। मैं कोशिश करूं, मैं आपसे अपने व्यूअर्स से सभी से कहूंगा कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी जुड़े, क्योंकि हमें अपने समाज को स्वच्छ बनाना है और एक संदेश देना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं और ये जानना चाहूंगा कि फंडिंग वगैरह वो सब कैसे मैनेज करते हैं? हमारी यदि देख नियत है ना, सब बरकत है ना, वो देवभूमि सब पूरा कर देता है। हम मांगते नहीं किसी से, बिल्कुल मांगते नहीं, वो सब करने वाला वो है। हाँ जी, और देने वाला भी वही है, और सब हो जाता है हमारा, और हमें बची जाता है जो हमारा काम हो जाता है। अच्छा, जैसे प्रमुख तो आप हैं, आपके साथ और कौन कौन लोग हैं? जो प्रमुख हैं, वो तो हमारे आराध्य है ही। बिल्कुल, इससे बड़ी कुछ नहीं है। और हमारे साथ 70 या 75-80 साल के बुजुर्ग है, हार्ट पेशेंट है, वो आते हैं, तो जब उनका आशीर्वाद होते तो हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, इस मुहिम से हमारे काफी सारे गणमान्य लोग भी जुड़े हुए हैं, भाई साहब तो है ही गणमान्य, और बाकी सारे जितने भी लोग हैं, इसमें कुछ सिंगर्स भी हैं जो कि हमारी मुहिम से जुड़े हुए हैं। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जल्दी से जल्दी इस मुहिम से ज्यादा लोग जुड़े, जिससे कि हम एक अच्छा संदेश दे सके अपने समाज। तो एक बार क्या कहते हैं, देखो नेताओं के तो बहुत उजागर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक ही आपने जो अभी बात कही है। हाँ जी, सबसे बड़ा काम आप कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये निस्वार्थ काम है, सबसे निस्वार्थ काम है। बिल्कुल, निस्वार्थ काम है। हाँ जी, इस निस्वार्थ काम की वजह से हमारे जितने भी ये सेवक है, कोई फरीदाबाद से आ रहा है, कोई बलबल से आ रहा है, कोई मतलब कहाँ से मुराड़ी से आ रहा है, कोई नरेला से आ रहा है, कोई कहाँ कहाँ से मतलब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। बिल्कुल, ये क्या अपना तन मन धन सब छोड़ के आ रहे हैं। बिल्कुल, अब एक वहाँ से यहाँ आने में 200 रुपए खर्च होता है एक उसका। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, लेकिन फिर भी उनके दिल में यह है कि मुझे सेवा करनी है। बिल्कुल, और सेवा भी ऐसी है कि जहाँ गंदगी का ढेर अंबार लगा हुआ था। बिल्कुल, 2017 से पहले क्या दयनीय हालत थी हमारी निगम बोध घाट। बिल्कुल सही बात है, उत्तराखंड के लिए हमें अन्याय कर रखा था सरकार ने। हाँ, लेकिन यह है कि जब हमारी एक पीड़ा हुई, बिल्कुल ये लाना थे हम लोगों को, उत्तराखंडी लोग हैं हम यहाँ पर। हाँ, हमें ये नहीं देखा यहाँ पर। बिल्कुल, इस गंदगी के अंदर जिसने बिचारों ने हमारे माँ बाप बुजुर्ग हमको मतलब पाला पोसा इतना वो करा, आज उनको अंत्येष्टि की हमें गंदगी में कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लानत है। लेकिन उसमें एक आदमी, दो चार आदमी ना खड़े हुए स्टैंड में कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, वो है हमारे हरदा उत्तरांचल। बिल्कुल, और हमारे मानवेंद्र मंडवाल जी, हमारे भगवत जी, और क्या कहते हैं हमारे रजवार जी, है ना, इन लोगों ने पहले पहल करी है ना। हाँ, तो उसके वजह से हमने कहा तुम
चलो हम तुम्हारे पीछे हैं। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो आस्ते आस्ते कारवां बढ़ता चला बढ़ता गया। आज हमारे पास परवृक्ष की तरह हमारा ये हो गया। बिल्कुल। हमने निगम व्यवस्था सुधार दिया, अब हमें दयनीय हालत हमने देखी है हिंडन नदी के। बिल्कुल। वहाँ क्या गंदगी थी, हमने सिर्फ दो तीन हफ्ते हो गए, दो तीन हफ्ते में आज अभी जाके देखो वहाँ हिंडन में क्या सफाई है। वहाँ हम तो ये भी करने को तैयार, हम अपनी तरफ से सरकार से कोई पैसा नहीं लेते, हम सरकार से मीडिया वालों से कहते हैं कि हमको मत करो। बिल्कुल है ना, लेकिन हमें काम कर रहे, हमें बाधा, हमारे काम में बाधा ना होने दो, है ना। तो इसलिए तो मैं आप लोगों से, आजकल हमारे उत्तराखंडी है ज्यादातर, तो आज गुरु देवता महाराज जिन्होंने आज हमको एकत्रित किया यहाँ पर। बिल्कुल। तो ये दिल्ली के अंदर पहला बड़े गर्व होता है कि हमारे गुरु देवता, हमारे पहाड़ के गुरु देवता आज राजमान है। ये कहते हैं नजदीक वाले हमारे, धन्य आप लोगों को, धन्य है कि हमारे जितने सेवादारों ने जिन्होंने इनको लाए हैं, मैं उनको करता हूँ साथ में आपके चैनल को, आपको भी क्या करते नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार। 21 जून 2017 से यह सेवा शुरू की गई थी। हाँ जी। और उन कई 6 साल में बहुत समस्याएं आई। हाँ जी। हमारा मानना है कि जिस तरीके से निगम बोध घाट में 6 दशक से गंदगी का अंबार लगा हुआ था, हाँ जी, उसी तरीके से भी उत्तराखंड जनमानस के मस्तिष्क पटल पर जितनी भी गुरुतियाँ हैं उन सभी का त्याग कर हम अपने आप को भी मस्तिष्क से स्वच्छ कर एक साथ एकजुट हो जाएं और अपनी आवाज़ को बुलंद करें और समाज को भी सशक्त करें। ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया भाई साहब ने, एक संदेश और। एक संदेश हमारा सिर्फ ये है, मैं ये ज्यादातर इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली और ये जितने हमारे आसपास का है, इन घोड़ा है, इन सब लोगों से, ये जो जो इस चैनल को देख रहा है, उन सभी लोगों से मैं ये अनुरोध करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ मन में उत्साह जगी होगी और मैं हिंडन घाट पे आपके स्वागत के लिए तत्पर खड़ा रहूंगा। आप वहाँ पर आए और एक बार जरूर जरा हिंडन में देखें। जब दिल्ली में हमारे इतनी सेवा मित्र एकत्रित हो सकते हैं तो हम अपने गाजियाबाद का क्यों नाम डुबाएं, गाजियाबाद में भी इससे दुगने होकर के दिखाएंगे, ये हम आपसे कहेंगे और आप लोग वहाँ पर आए। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। हमने फतेह कर लिया है, यूपी हम फतेह कर रहे हैं। नाम भी बताइएगा। मेरा नाम, क्या नाम था? मेरा नाम है बृजमोहन सिंह नेगी। नेगी जी। हाँ, और मैं वैशाली में रहता हूँ और हमारे हरदा की मेहरबानी से वहाँ पर भी हमारे सभी सेवा मित्रों की मेहरबानी से यहाँ पर एक ब्रांच खोल दिया है, जैसे करके कि हमारे सभी लोग यहाँ पर मिले, एकजुट हुए और ये हम हर कार्य के लिए हुए। निगम पर बोध घाट में बहुत से प्रोग्राम अच्छा सफाई कर रखे आप लोग। जी जी, आपसे बहुत फल करो महाराज ऊपर। बिल्कुल, मतलब जाना तो सपने महा जाना स्वर्ग जानू, लेकिन स्वर्ग दरवाजे जरूर फल बना रही। भगवान पर, मतलब भगवान का पहुँचने का बड़ा अच्छा साधन बना रखा हमने। बिल्कुल, चले की वो इतने सब इकला जानो, फिर तो इकला जाना नहीं, सीढ़ी बल बना रही हूँ। बहुत बल, धन्यवाद। जब ऐसे लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और आप सब लोग इसी तरह हमारे को आशीर्वाद देते रहेंगे तो हम हर चीज में आपके साथ कंधे पर कंधा मिला करके चलेंगे और हर काम को हम ऐसे ही करेंगे कि जो सब लोगों को अच्छा लगे। ये गोलजू शक्ति से मारो, ये खटक सभी पर, हमला अच्छा हमला आयो, सब आयो तो भीड़ रहे हो, सबको एकत्र कर दिया उन्होंने। ये गोलजू महाराज ताकत, आप यही रहते हैं, हिंडन नजदीक नजदीक है, हर इतवार आपने आना है, देखो दो बार, एक बार तो जरूर आओ, जरूर जरूर जरूर। ये तो आप नानचो और जो हमारे जो नानचू ना, ये यंग जनरेशन उनका लेके लीबे जी नानचो जी, संदेश तो अमर की लगी। हमारे साथ कई मात्र शक्तियाँ भी जुड़ी हुई हैं, मात्र शक्तियाँ भी आ सकती है, उसमें हमारे किसी का सहयोग है, हर किसी का स्वागत है, बच्चे हो मात्र शक्ति हो कोई भी आ सकता हूँ। हम कर्म बजा रहे हैं ना, धर्म प्रधान, हम सत्संग में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, वो जाना एक अलग भयम भान करते हैं, हम सेवा के भाव से जा रहे हैं वहाँ पे, है ना। जब धर्म होता किसी भी जाएगा सेवा के लिए, मतलब उत्तरांचल भ्रांति सेवा संस्थान का जो अभी लक्ष्य है, अभी तो वो है ही, घाट की साफ सफाई तो हम कर ही रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस अभी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम अभी डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हैं, उनको भी हम फॉलो करेंगे। लेकिन अभी जैसे अभी हमें हिंडन में फॉलो किया है, हिंडन में हमने स्टार्ट किया है, जहाँ जहाँ अपने लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहाँ पर हम दूसरे के काम तो कर ही रहे हैं, अपने लोगों के लिए नहीं और लोगों के लिए भी काम करते हैं। और इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जिनको हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे, लेकिन उसका भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो हमारी कार्यकारिणी में डिसाइडेड है। ठीक है, तो इसी के लिए, इसी के साथ में सभी अपने भाइयों, उत्तरांचली भाइयों सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारी संस्था से तन मन धन से जैसे जिसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े, जरूर जुड़े, क्योंकि ये हमने अपने समुदाय के लिए नहीं, सभी, क्योंकि हम उत्तरांचल के लोग हैं, हमारे सभी लोगों के अंदर देव
निवास करते हैं। बिल्कुल सही, देव लोग किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए तो काम करेगा नहीं, वो सभी लोगों के लिए काम करता है। तो इसलिए मेरी सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारी संस्था से ज्यादा जो है ऑल ओवर इंडिया, इवन मैं तो कह रहा हूँ बाहर के लोग भी हैं, वो भी किसी ना किसी आपके चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे, किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। फिजिकली ही प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, मेंटली भी प्रेजेंट हो जाएंगे तो वो भी दैट इज मोर देन एनफ। यस ठीक है ना, पीछे ज्यादा प्रचार किया अपने चैनल द्वारा। मैं श्याम सिंह नेगी, ये हमारे बिहार से जुड़े हैं, ये देखो ये हमारे बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार से सर। और इस घाट का सेवा देख करके मैं इतना गदगद हो गया सर कि मैं तन मन धन हर चीज से मैं वहाँ पे अर्पित हो गया सर, वहाँ की सेवा के लिए। और इससे बड़ी सेवा और कोई सेवा नहीं है सर, हिंदुस्तान में इससे कोई बड़ी सेवा नहीं है सर। आपका शुभ नाम? मेरा रामनाथ प्रसाद है सर जी। अच्छा, बुरारी में रहता हूँ, संतरीगढ़ में सर। अब यही एक एग्जांपल है हमारे पास कि सिर्फ उत्तराखंडी लोग ही नहीं, मतलब और समुदाय के लोग भी हमसे जुड़े, हमें देख करके हमारे अगल बगल से भी जो ये नौजवान खड़े हैं, इन्होंने ये हमें देख करके इनका भी इच्छा हुआ कि जब एक बिहार से जा रहे हैं सेवा करने तो मैं क्यों नहीं जा सकता। बिल्कुल, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये हैं। भाई साहब आइए, कोई नहीं आना चाहिए। आपका नाम? भाई साहब मेरा नाम कपिल जोशी है। इसमें आ रही क्या चैनल? इसमें शायद भाई साहब नहीं आएंगे, थोड़ा सा पीछे को कर दीजिएगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मगनलाल है जी, मैं उत्तरांचल ग्रंथ सेवा संस्थान से एक साल से जुड़ा हूँ और मेरा मन बहुत खुश होता है। मैं मेरे पे टाइम की कमी होने के कारण भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हफ्ते महीने में एक दो बार जरूर जाऊँ। बिल्कुल ठीक है, मैं उत्तराखंड की सारी जनता और से ये निवेदन करता हूँ कि जो हमारी मुहिम है इसको जितना आगे बढ़ सके उतने आगे बढ़ाएं। बिल्कुल दोस्तों, इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान दिल्ली पंजीकृत फेसबुक पेज पर भी जाकर आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आज का व्लॉग ना होकर के एक सेवा है जो कि मैं करना चाहता हूं और जो भी मेरी तरह की सोच रखते हैं वो भी इस मुहिम से जुड़कर ये सेवा दे सकते हैं। आशा है आप लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे और मैं आपको कल संडे उसी घाट पे मिलूंगा।